guys, I am Jolly Yadav and you're watching me on Reality 360 Degree. Guys, today we are here at Sector 150 Noida at Bhutani City Center 150, the only near to possession segment high street shopping complex of this area. इस प्रोजेक्ट में आपको काफी अट्रैक्टिव लीज गारंटीज मिल रही हैं, ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं, लोकेशन इज अमेजिंग एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाली हूँ. सो इन्वेस्टर्स एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ गुड पैसिव इनकम, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने अश्योर्ड मंथली रेंटल मिल रहा है. वीडियो के दौरान सबसे पहले मैं लोकेशन डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्टर 150 के बारे में मैं आपको काफी चीजें बताऊंगी, देन वी डिस्कस द यूएसपीज कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, एंड इन द एंड वी डिस्कस द प्राइसिंग ऑफ Bhutani City Center 150. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन फर्स्ट. सेक्टर 150 नोएडा इज पोजिशनड बैंग ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे. Greater Noida is 5 minutes from here. You get the direct connectivity with Yamuna Expressway and FNG Expressway. India Expo Mart, Stella Business Park, Sector 143 IT Hub, TCS are in the close vicinity. Bhutani City Center 150 is perfectly positioned. This project is right behind me. This project bare mein baat kare to ye 2.7 acres ke land parcel mein develop ho raha hai. हाई स्ट्रीट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के थीम पर रहेगा एंड यहाँ पर आपके चार टावर्स रहेंगे, चार इंडिविजुअल टावर्स रहेंगे जी प्लस 3 के एलिवेशन के साथ. बेसमेंट में आपको 2 लेवल पार्किंग मिल जाएगी एंड प्रोजेक्ट में आपको 500 मीटर्स का फ्रंटेज मिल जाता है, ओपन स्पेस मिल जाता है. उसके साथ साथ एक और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने आपका रहेगा शहीद भगत सिंह पार्क, जो की 40 एकड़ का पार्क है एंड दिस इज द बिगेस्ट पार्क इन होल ऑफ नोएडा. सो यहाँ से आपको फुटफॉल काफी अच्छा मिलने वाला है. कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चार टावर्स रहेंगे, सारे स्टैंड अलोन टावर्स रहेंगे जो कि पीछे से आपके इंटरकनेक्टेड भी रहेंगे एंड इन फैक्ट हाई स्ट्रीट को यू नो अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि सेंट्रल डाइन, सेंट्रल ग्लैम, सेंट्रल पाटलिपुत्र, हाइपर 150, गैजेट स्ट्रीट, बोल्ट, लास्ट पोर्ट्सिया, वेलनेस एंड बेकर्स एली. तो इस तरीके से इस हाई स्ट्रीट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीजें यहाँ पर रहेंगी एंड गाइस आप कंस्ट्रक्शन का स्टेज यहाँ पर देख सकते हैं. आई थिंक मैं यहाँ पर 1 से 1.5 साल पहले आई थी, तब कंस्ट्रक्शन काफी इनिशियल लेवल पर थी एंड आज के टाइम पे आप देखिए चारों टावर्स का सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, कंस्ट्रक्शन अपने फाइनल स्टेज पर है एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस प्रोजेक्ट का पोजेशन भी ऑफर कर दिया जाएगा. गाइस, सेक्टर 150 की बात की जाए तो ये पूरा सेक्टर 600 एकर्स के लैंड पार्सल में डेवलप हो रहा है एंड काफी ज्यादा यू नो प्रोमिनेंट सेक्टर है नोएडा का एंड यहाँ पर मल्टीपल बिल्डर्स भी आ चुके हैं. इनफैक्ट इस सेक्टर का डेवलपमेंट आज से 7 से 8 साल पहले शुरू हुआ था. आज के टाइम पर यहाँ पर एस, ATS, गोदरेज, टाटा, एल्डिको, भूटानी, प्रतीक, समृद्धि एंड महागुण जैसे रिनाउंड बिल्डर्स प्रेजेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं. कई सारी सोसाइटीज यहाँ पर रेडी टू मूव इन कैटेगरी की है, 6 से 7 सोसाइटीज रेडी टू मूव इन है एंड यहाँ पर लोग रह रहे हैं. बाकी 7 से 8 सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि जिनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है एंड विद इन 6 मंथ्स उनका पोजेशन भी ऑफर कर दिया जाएगा. सो सेक्टर 150 नोएडा का एक प्रीमियम इमर्जिंग सेक्टर है, यहाँ पर जेंट्री भी काफी ज्यादा अच्छी रहती है. रेसिडेंशियल की मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर 1.5 से 2 करोड़ का एक मिनिमम रेंज है, इससे ऊपर की भी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं. तो आप जेंट्री का आइडिया लगा सकते हैं, जेंट्री यहाँ पर आपको काफी प्रीमियम मिल जाती है. लोकेशन वाइज भी हम देखें तो ग्रेटर नोएडा का एंट्री पॉइंट रहेगा. ग्रेटर नोएडा से अगर आप नोएडा में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका सेक्टर 150 रहेगा एंड यहाँ पर आपको नजदीक में मेट्रो स्टेशन भी मिल जाते हैं, जैसे कि सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन इज वेरी नियर टू दिस लोकेशन. इन फ्यूचर जो फिल्म सिटी आने वाली है वो भी यहाँ से काफी नजदीक रहेगी. सेक्टर 150 में खुद का एक हेलीपैड भी रहेगा. जेवर एयरपोर्ट इनफैक्ट यहाँ से आपका 30 मिनट के
ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। इस प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्टर 150 के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस द यूएसपीज ऑफ भूटानी सिटी सेंटर 150। आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? इनफैक्ट आपको किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको बिल्डर प्रोफाइल देखनी चाहिए, बिल्डर की प्रोफाइल कैसी है। अगर मैं भूटानी ग्रुप की बात करती हूँ तो इनकी एक्सपर्टीज भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में है, सात अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये डिलीवर कर चुके हैं एनसीआर रीजन में एंड तीन इनकी ऑनगोइंग प्रॉपर्टीज हैं। डिलीवर्ड की मैं बात करती हूँ तो अल्फा थम आई थम जैसी प्रॉपर्टीज ये अपनी डिलीवर कर चुके हैं। एंड भूटानी सिटी सेंटर की भी हम बात करें तो ये काफी कम टाइम में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर दिया है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज इज द फुटफॉल। आपको आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे फुटफॉल कैसा मिल रहा है? भूटानी सिटी सेंटर की मैं बात करती हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपकी 6 से 7 डिलीवर्ड सोसाइटीज हैं, नेक्स्ट 6 महीने में कुछ और सोसाइटीज यहाँ पर डिलीवर होने वाली हैं। इनफैक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एस पार्कवे एंड अंतरिक्ष के बीच में सिचुएटेड है, तो इन दोनों सोसाइटीज से आपको बहुत अच्छा फुटफॉल यहाँ पे मिलने वाला है। सामने आपका 40 एकड़ का ग्रीन एरिया है, ग्रीन पार्क है, जिसमें यहाँ पर भी इन फ्यूचर काफी पॉपुलेशन आने वाली है, काफी विजिट्स यहाँ पर होंगी, तो उनका भी फुटफॉल आपको डायरेक्ट आपकी साइट पर मिलने वाला है। एंड पूरे अगर मैं सेक्टर की बात करती हूँ तो सेक्टर 150 में कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सोसाइटी शॉप्स यहाँ पर कोई मेजर दूसरा हाई स्ट्रीट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो सभी की जो नीड्स है वो ये फुलफिल करेगा, ये कैटर करेगा। यहाँ पर आपके कई सारे ब्रांड्स भी आने वाले हैं, कई सारे ब्रांड ऑन बोर्ड हो चुके हैं। एंड गाइस उसी के साथ थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले ब्रांड। आप जिस कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें ब्रांड्स कौन से आने वाले हैं, कौन से ऑन बोर्ड रहेंगे, क्योंकि वो ही डिफाइन करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी सक्सेसफुल होगी। तो अगर मैं भूटानी सिटी सेंटर की बात करती हूँ तो आज के टाइम पे यहाँ पर बीकानेर वाला, बीबा, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लेंस कार्ड, जिनी एंड जॉनी, जॉकी, गर्ल फिट, मामा अर्थ, स्केचर्स, रिलायंस, लुक सलोन, मार्केट 99 जैसे ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्रोजेक्ट को मेंटेन GLL ग्रुप करेगा जो कि एक बहुत ही रिनाउंड ग्रुप है। एंड गाइस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर इज द लोकेशन। लोकेशन के बारे में हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं, लोकेशन प्रॉपर्टी की काफी प्राइम है, हर जगह से ये प्रॉपर्टी काफी सूटेबल है। 150 की प्राइम लोकेशन पर ये सिचुएटेड है जिससे इसको काफी बेनिफिट्स मिले। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेस वीडियो ऑन भूटानी सिटी सेंटर लोकेटेड इन सेक्टर 150। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। गाइस नाउ दैट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो तो अब मैं आपको प्राइसिंग की डिटेल्स दे देती हूँ। सबसे पहले पेमेंट प्लान रहेगा आपका 2080 एंड पोजेशन आपका 3 महीने में रहेगा। आफ्टर पोजेशन यहाँ पर आपको 16,500 रुपीज पर मंथ अश्योर्ड रेंटल मिलने वाला है। 9 ईयर की आपकी लीज गारंटी रहेगी एंड हर 3 साल में आपको 15% इंक्रीमेंट भी मिलेगा अपने उस अमाउंट पर। एंड अगर मैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात करती हूँ तो ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, सोल्ड आउट हो चुका है एंड अब सिर्फ कुछ यूनिट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पर ही बची हुई है। सो अगर आप इन्वेस्ट करने का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं देन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेट इज 30,000 पर स्क्वायर फीट एंड मिनिमम आप 100 square feet से यहाँ पर अपने लिए एक प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड इसे आके विजिट करना चाहते हैं देन प्लीज गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।